हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूम किचन तमिल। नम्बर वीडियो पाकपो रेसिपी कत्रिका गोस्तु। रोम सिंपला ईसिया से कत्रिका वे डिफ्रंटा नरे डिशस् पड़ेपो इत ट्रेडिशनल पड़ेप रोब नल इटी दोस की पोंल्ला समान कामेन इतनी पाकल्वा पेने हीट पड़े रे स्पून मल ड्रैवे रोस्ट पड़ी मीडियम फ्लेम वे रोस्ट पड़ो वाल स्पून लाइटा कलर चेंजा रोम वरकूड़ा कड़लापरपुर स्पून उलुतपरपुर स्पून लाइटा वासन वर वरी वा वर मिगारे नमकूट कमिया सेतुकल ना वरपटी वासन वंटी अड़प आफ पड़ा आरा वी फैन पउडर अरे वंल रोम नईसा अरे वाणा कुछ चिन्ह रव रवेक मारे अरेचिकल कतरीका इरनू ग्राम ये नील वाकल इतमी अरीज वे कतरीका अब वद ना वद पेने हीट पड़े मूणु स्पून आयिल एनाटा सूडान कतरीका से ना कुय वदा कतरीका इवन ना कुय वंदी कतरीका इत वे प्लेट ट्रांसफर पड़ी के इे नील इन कुछ एण सेक और स्पून एण सेक सूडान कड़गु कल स्पून कड़गु पुरी उलुतपरप अर स्पून सीरक कल स्पून परूल कुछ करवपिल कुछ तालीपिल ना पुरीज चिंवंग नूर ग्राम पुड़िया नरक सेक चिंवंग रोम नल टेस्ट சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி கரைசல் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். இதில புளி நல்லா கொதிச்சு பச்சை வாசனை போனதும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அரைச்சு வச்சிருக்க மசாலால இருந்து 4 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். இது கரெக்டான அளவு இருக்கும். 200 கிராம்க்கு நம்ம வதக்கி வச்சிருக்க கத்திரிக்காயையும் இந்த மசாலாவோட சேர்த்துறலாம். நல்லா எல்லாம் ஒரு சிறு நல்லா வதக்கிடலாம். நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. செமி சாலிட் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். பொங்கலுக்கு வேணா கொஞ்சம் லிக்விடா செஞ்சுக்கலாம். நம்மளோட கோஸ்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.